हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवलिंग की राह। तो आज हमारा जो व्लॉग बनने वाला है दैट इज वेरी फेमस व्हाट्स इन माय बैग। तो व्हाट्स इन माय बैग पे मैंने एक कॉमेडी वीडियो बनाया था पहले, जिसमें कि फियोना से रिलेटेड जो आजकल मैं स्टफ लेके चलती हूँ वो था। ऑल्दो वो अब फेज चली गई है, अब डायपर्स वगैरह मुझे कैरी नहीं करने पड़ते, बट स्टिल अभी भी एक उसका बैग रहता है। लेकिन व्हाट्स इन माय बैग ऑन अ सीरियस नोट, मैं क्या चीज़ें कैरी करती हूँ आज वो शेयर करूँगी। एक्चुअली आई एम नॉट अ बैग पर्सन, पहले तो मैं मोस्टली खाली हाथ जाती हूँ। एक मेरा वॉलेट है, वो रहता है जतिन के पास है। अब तो वॉलेट भी नहीं कैरी करती, मेरा एक आई कार्ड और एक कोई क्रेडिट कार्ड रहता है जतिन के पास, और मैं खाली हाथ घूमती हूँ। फ़ोन तो होता ही है हाथ में, और कार में मेरी कुछ चीज़ें हमेशा रहती हैं। लेकिन अगर मुझे जैसे अगर ऑफिस जाना है तो मैं लैपटॉप बैग लेके जाती हूँ, तो उसमें कुछ चीज़ें मैं रखती हूँ। लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें जो अगर हमें बाय एयर ट्रैवल करना है, या फिर मैं अकेले कहीं जा रही हूँ फ्रेंड्स के साथ, जहाँ पे जाते नया मुझे अपना सामान कैरी करना है, तो सबसे पहला तो मेरी कोशिश रहती है मैं एक फ़ोन ले जाऊँ, और फ़ोन के अलावा मैं ले जाऊँ एक मेरा वॉलेट, इसमें थोड़ा सा कैश, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, मेरा पैन कार्ड और कुछ डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स जो भी हैं वो इसमें होते हैं। हाउस कीज़, कार कीज़, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें मेरे पास रहती हैं। लेकिन अगर मैं हम कहीं लंबे सफ़र पे जा रहे हैं और मुझे ये बैग कैरी करना पड़ रहा है फॉर सम रीज़न, तो इसमें मतलब अगर एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए मैं जा रही हूँ तो आई प्रेफर कि मैं बैग कैरी करूँ। और इसमें मेरे रहती हैं कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि हैंड सैनिटाइज़र, आजकल पहले नहीं रहता था ये, शेड्स मेरे आपको हर जगह मिलेंगे, कार में, बैग में, लैपटॉप बैग में, घर में, क्योंकि सन को फेस करना पड़ता है इनके साथ, इनके बिना नहीं किया जाता, फिर ऐसी शक्ल हो जाती है। ठीक है, तो एक तो शेड्स हो गए, वॉलेट, शेड्स एंड सैनिटाइजर। उसके बाद और मैं क्या कैरी करती हूँ, हाँ एक मैं हैंड लोशन, कुछ एक लोशन ज़रूर कैरी करती हूँ। बार बार बाहर नहीं जाते हैं, बार बार हैंड वॉश करते हैं या सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं तो हैंड्स ड्राई हो जाते हैं। और क्या है कि एक इसमें रखा है एक ज्वेलरी बॉक्स सा, तो आई यूजुअली डोंट वेयर, लेकिन कई बार ना ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अचानक किसी के घर जाना पड़ गया, और यू नो मैं ऐसे 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 रहती हूँ, तो किसी के घर में कोई आंटी हैं वो टोक देती हैं कि बेटा सुहाग की कोई निशानी नहीं पहनी है, तो फॉर सेफ्टी से ही ये रखती हूँ मैं। एक ये पता नहीं मैं क्यों रखती हूँ, एक्चुअली वैसे मैं वेट वाइप्स रखती हूँ मोस्टली, मगर ये कॉटन पैंट्स हैं ये भी काम आते हैं। वाइप्स मेरे अब आजकल फियोना वाले बैग में रहते हैं तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बट वो भी मैं रखती थी पहले। सो देट इज़ समथिंग आई कैरी, वो बहुत हैंडी हैं। बाकी कोई रबर बैंड, हेयर बैंड, ऐसी चीज़ें ये रखती हूँ। इसके बाद अगर मेकअप की बात करें, मेकअप से पहले एक और चीज़ है, माई टी बैग्स। तो मैं टी बैग्स रखती हूँ कि अगर और कुछ नहीं मिले तो कहीं से गर्म पानी लेके इंसान अपनी डिप वाली चाय बना लेता है ना। ठीक है, अब इसके बाद बात करें मेकअप की, तो मेकअप में मेरी दो गो टू चीज़ें होती हैं, एक लिप कलर और एक काजल पेंसिल। ठीक है, काजल लगाया, लिपस्टिक लगाई, यू आर रेडी। लेकिन और नॉर्मली मैं ये पिंक कलर की लिपस्टिक रखती हूँ, ये हर ड्रेस के साथ चल जाती है, और ब्लैक काजल। लेकिन अगर ऐसा कुछ आ जाए तैयार होना है, पहले तो अगर धूप में जा रहे हो तो एक सनस्क्रीन साथ में उठा लेती हूँ। सनस्क्रीन से क्या होता है लगा ली, मतलब समझ रहे हो ना, कोशिश करती हूँ कि याद आ गया तो लगा लूँगी। एक मैं ये रख लेती हूँ अपने पास, कई बार ना मैं आईब्रोज करना भूल जाती हूँ, और मेरे बहुत ही क्रूर सिंह जैसे आईब्रोज आ जाते हैं, तो वन तो बहुत ही हैंडी रहता है कहीं पर भी थोड़ा सा ग्रूम्ड लगने के लिए, क्योंकि ना ये कोविड के दिनों में क्या हुआ है, आदतें खराब हो गई हैं, तो दिस कम्स वेरी हैंडी। उसके बाद अगर मतलब
कहीं तैयारी से जा रही हूँ तो एक आधा लिप कलर और रख लेती हूँ, और एक ये BBCC क्रीम कोई भी एक आई यूज़ अगर मुझे लग रहा है कि आई नीड टू कवर पोर्स और कुछ अच्छा दिखने की कोशिश, जैसे अगर हम कहीं जा रहे हैं तो कौन समझ बहुत टाइम से ढूंढ रही थी। ठीक है तो ये इसमें डाल देते हैं। तो इसमें क्या है, चलो ये भी देखते हैं। इसमें है एक ये और ये, और ये कैसे छोटे वाले हैं, बिल्कुल छोटे वाले, और एक ये है। थोड़ी इंडियन लुक कभी चाहिए होती है ना, तो बस ये पहन लो, कुछ भी पहनो इंडियन लुक आ जाती है। ठीक है तो ये है ज्वेलरी। और हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कहीं पे पसीना वगैरह आ सकता है तो एक ये कॉम्पैक्ट पाउडर इमीडिएट आँख में चला गया, इमीडिएट थोड़ा आपको फ्रेश दिखना है तो ठीक है। इनके अलावा एक चीज़ यहाँ पे नहीं है, वो मैं यहाँ से चुरा लेती हूँ, फ़ोन का चार्जर, इसके बिना तो घर से नहीं निकल सकते हैं। तो यूजुअली मेरी कार में एक केबल लगी रहती है और एक चार्जर घर पे रहता है, तो जब भी मैं कहीं ऐसे जा रही हूँ कहीं चाहिए तो एक चार्जर इसमें फेंक देते हैं। यस बस ये एक मैं ना वैसे पाउच में रखती हूँ, ये वाला सामान है वो पाउच मुझे चाहिए था तो मैंने अभी के लिए ऐसे ही डाल दिया। इसमें ना पार्टीशंस हैं तो इसका ये सेंटर में एक अलग से पार्टीशन है, इसमें यहाँ पे डाल देती हूँ। और कुछ तो नहीं है, कुछ भूल रही हूँ मैं, ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसी फीलिंग आ रही है। ठीक है तो ये सारा हो गया मेकअप का सामान, और ये हो गया पोस्ट कोविड एसेंशियल्स, एक सैनिटाइजर, एक मास्क, हाँ एक मास्क भी होता है यूजुअली, सनग्लासेस वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना नहीं मैं जाती, इसके बिना तो अगर एक आध बार गई हूँ तो मुझे खरीदनी पड़ी है वाइप्स या फिर कॉटन पैड्स, कुछ हेयर बैंड, रबर बैंड, क्लचर, कुछ भी ऐसा, सनस्क्रीन, हैंड लोशन, सम ज्वेलरी, सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा वॉलेट, ये शादी से पहले कहाँ है, एक बार मैंने पैसे कमा के वुडलैंड का लिया था, वो चेंज नहीं करने की हिम्मत हो रही, एज मनी ऑल्सो थोड़ा सा कैश रखती हूँ मैं लूज मनी, कई बार होता है ना कहीं पार्किंग देनी है, कुछ करना है, और मेरे टी बैग्स, दैट्स इट। बाकी अगर फिर ना साथ में है तो कई बार हमारे पास इलेक्ट्रिक केटल भी होती है तो गर्म पानी का जुगाड़ भी हो जाता है। सो दैट वॉज माई व्हाट्स इन माई बैग सीरीज, तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताना, क्योंकि ऑनेस्टली आज मेरे पास कंटेंट नहीं था तो मैंने ज़बरदस्ती का कंटेंट बनाया है। एफर्ट के लिए एक लाइक और एक कमेंट अगर मिल जाएगा तो थैंक यू सो मच, नहीं भी मिलेगा तो सिर्फ देखने के लिए थैंक यू सो मच। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू आवर चैनल ट्रैवलिंग कीड़ा, और फियोना के लिए अपने फ्रेंड के घर नहीं तो उससे करवाते। बाय बाय, अभी के लिए मैं कर देती हूँ, बाय बाय।